खिलाड़ी और पास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को जोराबंद सुंदर तरीके से सफेद जर्सी में जो नजर आ रहे हैं जोराबंद के टीम और जो रेड कलर लाल कलर के जर्सी में जो नजर आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर एक मौका बन सकता है लेकिन दोनों खिलाड़ी के बीच टकराव बी एरिया पर जो शॉट में उतना दम नहीं था और एक आसान सा गैदरिंग और उसके साथ फिर से एक बार फुट पड़ा भी खिलाड़ी के हाथ में बॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना साथी खिलाड़ी को पास करते हुए एक जुझारू खेल अभी से देखने को मिलता हुआ। हल्की सी अपील जरूर और यहाँ पर एक आसान सा एक आक्रमण की शुरुआत और डी एरिया पर बॉल वहां पर हवा में लहराया है बॉल लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। फिर से एक बार बहुत ही शानदार तरीके से पास टू पास खेलते हुए हवा में खेला गया शॉट लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं जोड़ा बन रही लेकिन गोलकीपर ने बहुत बढ़िया तरीके से चला के साथ गेंद को जोड़ा किया राइट आउट जोराबंद की तरफ से गेंद को आगे ले जाते हैं बॉल को बहुत ही बढ़िया पास किया है यहाँ पर और देखना यह डिफेंस क्या कर पाते हैं लेकिन इस बार एरिया के सामने और यहाँ पर एक शॉट में उतना दम नहीं बार बार आक्रमण करने की कोशिश बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी को पास करते हुए कुटुपड़ा के खिलाड़ी और यहाँ पर बढ़िया शॉट एक मौका बन सकता है जोराबंद के लिए लेकिन इस बार मौका नहीं ढूंढ पाए। सुंदर तरीके से नाटक की स्थिति पर बॉल आगे चली गई और फिर से एक बार मौका बनाने की कोशिश जोराबंद की तरफ से बहुत ही बढ़िया यहां पर फिर से एक बार कोशिश लेकिन इस बार चन्नाबेड़ा चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही सुंदर प्रयास किंतु गोल करवा लगी नाकामयाब थोड़ी फेरे गोटे मौका एवं सुंदर शॉट किंतु वर्तमान पर्यंत जोराबंद घना घना आक्रमण करी आसीचे किंतु कौनसी सफलता नहीं पाइबार किंतु चेष्टा करूथिले सफलता निश्चय आपणकर पात दल के आएबा सेतिर प्रयास रे लागिछन जोराबंद दल साथी खिलाड़ी के सुंदर भाव रे पास करछन किंतु टिके छोटिया भूल लागी वर्तमान कुटुपड़ा खिलाड़ी के अधीन के बॉल चली जाइछे गोटे सुंदर शॉट करने की कोशिश लेकिन इस बार बहुत बढ़िया मौका देखना यह है कि क्या इस मौका को और जो मारने का शॉट लगाने का मौका नहीं मिला जोराबंद के खिलाड़ियों को डिफेंडर फोटो पड़ाने फिर से एक मौका बन सकता है राइट कॉर्नर से एक बढ़िया बहुत ही शॉट लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से जैसे कि आप जानते हैं 1-0 की बढ़त बना चुका है जोराबंद और इस बार लेकिन कामयाबी नहीं हालांकि फिर भी अपने नियंत्रण में बल रखे हुए हैं जोराबंद के खिलाड़ी और इस बार लेकिन अपना जोराबंद के खिलाड़ी के हाथ फिर बॉल और ये फिर से एक बार अपने अधीन में लेते हुए कुटुपड़ा के खिलाड़ी बॉल को एक पास बहुत सुंदर पास खेलने की कोशिश लेकिन फिर से एक बार कुटुपड़ा के खिलाड़ी के अधीन ये बॉल लंबे शॉट के जरिए पास करने की कोशिश लेकिन फिर भी उनका साथी खिलाड़ी को ये पास मिलता हुआ देखना यह है एक आक्रमण की प्रस्तुति करते हुए यहाँ पर कुटुपड़ा टीम और जानती है वो पिछड़ रही है तो उसको एक बार फिर से 7 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ले जाते हुए लेकिन नाखुश होंगे अपने प्रदर्शन से तो लेकिन इस बार देखना यह है बहुत ही बढ़िया शॉट और हेडर के जरिए फिर से गलती कर बैठे यहाँ पर जोराबंद के खिलाड़ी और उसके लिए फिर से एक बहुत बढ़िया यहाँ पर बॉल लिए हुए है अपने तरफ और हवा में जरूर बॉल लेकिन अपना साथी खिलाड़ी को ये पास करते फिर से एक बार 7 नंबर के खिलाड़ी जोराबंद के बॉल मिलता हुआ पप्पू को और
एक दुर्दांत खिलाड़ी, क्लच शॉट कहा जाएगा, अपने ही साथी खिलाड़ी को पास देने की जगह डिफेंड, विरोधी टीम के खिलाड़ी को यहां पर बॉल कर दिया, बड़ा गलती पड़ा के खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार तरीके से लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से हुए आक्रमण की चालाकी करते हुए, लेकिन इस बार गलती कर बैठे पोस्ट पर, ये शॉट टुकड़ा के खिलाड़ी के अधीन में ये बॉल, डिफेंस के हाथ ये बॉल लंबी किक के जरिए गेंद को आगे भेजने की कोशिश, लेकिन उतनी ही चालाकी के साथ डिफेंस जुराबंग ने नकारा, फिर से एक बार एक आक्रमण करने की कोशिश, बहुत ही उमदा प्रदर्शन करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी, और यहाँ पर एक मौका बन सकता है 16 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी को, करते हुए बहुत बढ़िया मैच एक बार फिर से दे शुरू हो चुकी है, दोनों टीमों के बीच टूट पड़ा, और जोराबंग जो कि बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन किए थे टाई ब्रेकर में, उन्होंने टिटलागढ़ को मात देकर ग्रैंड फिनाले में अपना जगह बनाए हुए हैं, और अभी एक गोल से आगे हैं इस मैच में, यानी कि खिताब के लिए दावेदार, और इसी तरह अगर मैच चलता रहा था वो यकीनन चैंपियंस बनने में कोई रोक नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये मैच है, खेल है, खेल में आखिरी जब विसिल ना बजे तब तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। शानदार का अगर छोटी सी गलती होती है तो उसका भरपूर फायदा मिलता है सामने वाली टीम को, एक बार फिर से काफी अच्छी लगन के खिलाड़ी, बहुत बढ़िया आगे 3 नंबर खिलाड़ी बॉल को आगे लेकर जा रहे हैं, एक सही पास की जरूरत है, और 12 नंबर खिलाड़ी बहुत बढ़िया मायने हेडर के जरिए अपना साथी खिलाड़ी को पास करते हैं बहुत सुंदर तरीके से यहां पर, और डी एरिया पर बॉल पहुंच गया है लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से एक गैदरिंग करते हुए फिर से एक बार लेफ्ट कॉर्नर से जुराबंग के तरफ से ये आक्रमण, हवा में बॉल लेकिन उतनी ही चालाकी के साथ ये कोशिश, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार जुराबंग के खिलाड़ी के अधीन में ये बॉल, और लेकिन ये गलत पास जुराबंग का, फिर से एक बार उसका नतीजा बॉल जो है बहुत ही बढ़िया पास यहाँ पर लेफ्ट आउट को दिया गया है, लेकिन इस बार शॉट बनाने की कोशिश, अपना साथी खिलाड़ी को वापस पास देते हैं बॉल बनाने की कोशिश, लंबे हिट के जरिए ये भेद नहीं पाए, और इस बार गलती कर बैठे हैं, इस बार एक बहुत बड़ा मौका, लेकिन इस मौके का किस तरह फायदा लेते हैं 1 नंबर जो अभी सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतरे हुए हैं, प्रधान सेविका श्रीमती जरावनी जगत जी पान जी, और उनके साथ हैं कई हमारे विशिष्ट व्यक्ति जो मंच पर बैठे हुए हैं, करते हुए अतिथि के रूप में आए हुए हैं, और हमारे खिलाड़ियों का हौसला उपजाई कर रहे हैं और सभी का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और बहुत बढ़िया फ्री किक का मौका मिला था, दो गोल देकर इस मैच में पूरी तरह से आगे, और बहुत बढ़िया शूटिंग देखने के लिए मिला, के बीच ये मैच चलता हुआ गोले बाहर कहा जा सकता है फिलहाल का जो हालात है इसे देखकर ये यकीनन से कहा जा सकता है कि जुराबंग इस मैच में पूरी तरह से
पकड़ बना रखी है और 2-0 की बढ़त बनाकर इस मैच को जारी रखते हुए और इसी तरह ही मैच चलता रहा तो निश्चित तौर पर यह मैच उनके नाम होगा और जो चनाबाड़ा चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का जो खिताब है उनके नाम होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, काफी अच्छी तरह से प्रदर्शन करते हुए 2 गोल देने में कामयाब हुए हैं, काफी खुश होंगे जोरावन के कप्तान। एक बार फिर से